वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे बी ए पार्ट टू ऑनर्स पेपर थर्ड का है। टॉपिक है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण। कारण निम्नलिखित है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पहला है रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ। सेकेंड है जनसंख्या विस्फोट और श्रम की पूर्ति में वृद्धि, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इंक्रीजेज इन लेबर सप्लाई। थर्ड है अनुपयुक्त तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। चौथा है अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली, इनएप्रोप्रिएट एजुकेशनल सिस्टम। छात्रों, इंडियन इकोनॉमिक्स में यह पढ़ना है बेरोजगारी कारण और प्रकार। तो आज मैं बेरोजगारी के कारण क्या है उस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। इसके प्रकार कारण जब के बाद प्रकार जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति कार्य करने के योग्य है, इच्छुक है और कार्य से वंचित रहता है, उसको काम करने का अवसर नहीं मिलता है, उसे ही बेरोजगार हम कहते हैं। उसी को बेरोजगार कहते हैं, बेरोजगारी उसी की कहा जाए। अब इसके पहले बाद में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन हम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके कौन कौन से कारण हैं जो सिलेबस में आपको पढ़ना है, जो दिया हुआ है, उस पर हम आज फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि रोजगार विहीन समृद्धि, सुनने में अटपटा लग रहा है और बोलने में भी अटपटा लग रहा है, यानी ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रही है, रोजगार विहीन, रोजगार का अवसर उसमें नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? छात्रों, आजादी के बाद भिन्न भिन्न तरह के जो वृद्धि होना शुरू हुआ, करीब 2005 से लेके 1980 से लेके 2005 तक सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा जो है वह 6.2 है और समृद्धि आर्थिक वृद्धि का जो दर है वह 8.2 है। लेकिन डाटा आप देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 6.2, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ 8.2,
और रोजगार की जो है इम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वह 2.6 है। चौंकाने वाली बात है। और यह करीब 2005 तक आते आते रोजगार की जो ग्रोथ रेट है वह 0.045 तक पहुंच गया। इसका मतलब कि शून्य से थोड़ा सा ऊपर। और जिस समय यह कंप्यूटर जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर आया जिसको हम उदारीकरण विश्वव्यापीकरण हम कहेंगे करीब 12-13 में तो माइनस में रोजगार जिसमें लोगों की छटनी हो रही थी उस समय रोजगार की संख्या जो थी वो माइनस में हो गई। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है, उत्पादन भी हो रहा है, आर्थिक विकास भी हो रहा है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार की मात्रा माइनस में जाना या थोड़ा सा ऊपर रहना यह स्पष्ट दर्शाता है कि रोजगार की मात्रा में लोच जो है वो ऋणात्मक है। धनात्मक जो होना चाहिए वह ऋणात्मक है। अब जो है धीरे धीरे 15-13 से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ है। आज करीब करीब प्लस के श्रेणी में रोजगार की मात्रा है, लेकिन अभी डाटा हमारे पास लेटेस्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें यह जानकारी है कि आज की जो स्थिति है 12-13 के स्थिति से भिन्न है। कुछ आशाजनक है लेकिन बहुत उत्साह वर्धक या सम्मानजनक रोजगार के अवसर एवरेज आर्थिक विकास के अनुरूप संतोषजनक नहीं है। तो बेरोजगारी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, लेकिन रोजगार विहीन, जहां पर मशीनीकरण कंप्यूटराइजेशन करण जहां हो रहा है, तो निश्चित है कि वैसी स्थिति में श्रम शक्ति की सहभागिता कम होगी और उसमें भी जो अकुशल श्रमिक हैं उनमें तो बेरोजगारी की मात्रा और ही ज्यादा होगी और कुशल श्रमिक में भी जो अधिक से अधिक निपुण होंगे जो प्रतियोगिता के दौर में अपने आप को निपुण समझते होंगे उन्हीं को रोजगार की संभावनाएं भी बनती है। ठीक है। दूसरा है जनसंख्या विस्फोट और श्रम की पूर्ति में वृद्धि। छात्रों, एक तरफ जन्म दर बढ़ रहा है और मृत्यु दर
अभी जब से मेडिकल साइंस डेवलप हुआ तो मृत्यु दर भी कम हुआ है। तो जो भी व्यक्ति जिंदा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो काम करना चाहेगा। काम करना चाहेगा तो काम मिलेगा नहीं। और एक तरफ जनसंख्या का जो वृद्धि हो रहा है, वह अलग फौज तैयार हो रही है, और एक तरफ मृत्यु दर जो है वह भी पहले जो एवरेज जो था उसकी संख्या वो बढ़ती जा रही है। वैसी स्थिति में बेरोजगारी का बहुत बड़ा फौज, जनसंख्या का बहुत बड़ा भार देश के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जनसंख्या वृद्धि के फल स्वरूप और रोजगार के मांग और पूर्ति में इतना फर्क आ जाता है, जैसा कि रोजगार के अवसर जो बढ़ते हैं अनुपातिक दृष्टिकोण से, और जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो जस्ट लाइक दोनों के रेशियो में कोई तालमेल नहीं। वैसी परिस्थिति में देश के सामने एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और आज भी विस्फोटक स्थिति है। हर एक सेक्टर में श्रम शक्ति सहभागिता दर बढ़ रही है, और दूसरे तरफ कार्य करने या रोजगार की जो मात्रा है वह दिन प्रतिदिन घट रही है। तो यह जो डाटा है, जो परिवेश है, जो समय है, वह बहुत ही प्रतिकूल है और विस्फोटक की स्थिति है। आगे है अनुपयुक्त तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। छात्रों, हम लोगों का जो देश है, जहां पर कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते श्रम का, श्रम शक्ति की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, वैसी परिस्थिति में वैसे उद्योग को स्थापित करना चाहिए जहां पर श्रम की बाहुलता हो। लेकिन श्रम की बाहुलता जहां पर है वहां पर उद्योग नहीं है, जिसके चलते श्रमिकों का एक जगह से दूसरे जगह प्लान होता है, जो आप आज लॉकडाउन में आप देखने को आप मिल रहा है। तो सपोज कीजिए कि आज जो भिन्न भिन्न समस्याएं जो हो रही है, अगर यह उद्योग या इंडस्ट्री जहां पर लेबर फोर्स मैक्सिमम है, अगर उसी जगह पर वैसा ही एरिया में अगर वैसे उद्योग की स्थापना की जाती, तो आज जो रीजनल जो प्रॉब्लम जो डेवलप कर रहा है सरकार के सामने, देश के सामने, उद्योगपतियों के सामने,
यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती, जो बहुत बड़ा गैप है। और आईक्यू या तालमेल का, एडजस्टमेंट का अभाव है। ठीक है, आज के समय में श्रम शक्ति की उपयोगिता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, फिर भी जो भी स्थितियां हैं, जो भी कुशल श्रमिक ही मान लें, तो एक नीड बेस पॉलिसी के तहत रीजन वाइज सर्वे करने के फलस्वरूप अगर वैसे जगहों पर पूंजी लगाकर और मैक्सिमम उद्योग की स्थापना अगर की जाती, तो वैसी स्थिति में रोजगार भी पर्याप्त मात्रा में मिलते और लोगों के अपने आप को अच्छा महसूस भी करते हैं। और यह जो भिन्न भिन्न तरह के अकस्मात जो समस्याएं जो पैदा होती है, वह समस्या देश के सामने पैदा नहीं होता। इसलिए जो भी टेक्निक जो अपनाया जाता है, जो तकनीक जो अपनाई जाती है उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए, उसमें यह जरूर देखना चाहिए कि जो भी मेरा लेबर फोर्स है, अधिक से अधिक और कम से कम परेशानियों में श्रमिकों को रोजगार कैसे मिल सकता है, इस टेक्निक को सरकार को, देश को अपनाना चाहिए। आगे है अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली। छात्रों, आज जो भी पढ़ाई जो हो रही है, पढ़ाई की मोडलिटी और रोजगार की मोडलिटी में तालमेल का भाव है। हालांकि सरकार के तरफ से उस पर काफी मंथन हो रहे हैं, काफी चर्चाएं चल रही है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आज भी ट्रेडिशनल सिस्टम के माध्यम से ही जो भी कोर्सेस ऑफ स्टडी है, जो उसके क्लासेज हैं, वो रोजगार परख नहीं है। और रोजगार परख है भी तो इतना महंगा है कि सभी के बस की बात नहीं है उस रोजगार परख शिक्षा एक साधारण और आम व्यक्ति भी प्राप्त कर सके। इसलिए और उसी का परिणाम है कि व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को सरकार ने अपनाई जरूर है, लेकिन वह फ्री इकोनॉमी के तहत उसको इस रूप में स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि जो भी इंस्टीट्यूशन खुलते हैं, एस्टेब्लिश भी होते हैं, चलते भी हैं, लेकिन सेल्फ मेड कोर्स होने के नाते इतने कॉस्टली होते हैं, सभी वर्ग के लोग या मध्यम गरीब वर्ग के विद्यार्थी चाह कर भी उसका लाभ नहीं ले पाते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि योग्य बच्चे भी
अवसर के अभाव में, धन के अभाव में, वैसे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। किसके कारण? इसके कारण कि हमारे यहाँ अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली है। उपयोगी शिक्षा प्रणाली है भी तो कॉस्टली है। और आज भी जितने भी जनरल जो भी कॉलेजेज है, स्कूल कॉलेजेज जो भी हैं, खास तौर पर वोकेशनल कोर्सेज में आर्ट्स कला के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट आता है, लेकिन एवरेज जब हम चर्चा करेंगे तो वाणिज्य संकाय की पढ़ाई बहुत सारे सरकारी संस्थान में नहीं होते हैं, जो कि व्यवसाय से संबंधित यह विषय होता है। लेकिन आज आर्ट्स साइंस कला के अलावे भी बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं जो रोजगार परक हैं, जिसकी बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों में उस विषय की, उस तरह की शिक्षा प्रणाली का अभाव है। तो यह अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली आज भी है, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस चीज को महसूस कर गई है कि इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस अनुपात से, जिस परिप्रेक्ष्य में इस पर ध्यान देना चाहिए, उस परिप्रेक्ष्य में सरकार का ध्यान नहीं है, और नहीं होने के फलस्वरूप फ्री इकोनॉमी के तहत स्ववित्त पोषित या वोकेशनल सिस्टम में पढ़ाई खोलने की स्वतंत्रता देने का परिणाम है कि यह शिक्षा बहुत ही महंगी हो जाएगी छात्रों, जिसके चलते यह बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो रही है। यह चार महत्वपूर्ण बातें आज आपके सामने हमने स्पष्ट किया। इसके अलावा भी अन्य जो भी कारण होंगे उसको आपको, उसको भी चर्चा करना होगा। और दूसरे क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके कितने प्रकार की बेरोजगारी हिंदुस्तान में पाई जाती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे आप यह जान जाइए कि आज जो ही बेरोजगारी है, शहर की तो बेरोजगारी है ही, गांव में भी जब जनसंख्या का भार बढ़ता है या कुछ वैसे समय आते हैं जिसमें लोग बेरोजगार बैठ जाते हैं, जैसे बरसात के दिनों में, तो वो गांव से शहर की ओर प्लान करते हैं अकुशल श्रमिक। क्यों? कि कम से कम कुछ नए रिक्शा भी चलाएंगे तो एक दिन का परिवार को खाने के लिए कुछ हमें मिल जाए। तो यह बेरोजगारी का जो वातावरण, माहौल जो बनता है, यहां से वहां, वहां से यहां प्लान वाली स्थिति जो है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, यह देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। खास तौर पर आज जो हमारे श्रमिकों के सामने जो बेरोजगारी का, जो फौज जो समस्या, परेशानी जो झेल रहे हैं, वह बहुत ही चिंता का विषय है। आज विपद संकट काल में जो भी श्रमिक वर्ग आ रहे हैं, वो भिन्न भिन्न समस्याओं से झेलते हुए अपने गांव और घर पहुंच रहे हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं, गांव जा रहे हैं,
यह संकल्प लेके कुछ भी हो जाएगा मैं पुनः गांव में ही रहूंगा, चाहे यहीं जीऊं चाहे यहीं मरूं, लेकिन गांव में तो रोजगार है नहीं, वहां भी समस्या है। अभी तो बोल रहे हैं लेकिन गांव में रोजगार कहाँ है? रोजगार भी है तो पहले से लोग वहां हैं, तो यह भी एक समस्या है। सरकार भी कह रही है कि मैं उन लोगों को रोजगार दूंगा, जो भी बाहर से श्रमिक आ रहे हैं उनको मैं रोजगार दूंगा। यह जिस रूप में प्लान की जो परसेंटेज है और सरकार की जो तैयारी होगी या होने वाली है, जो हमने डाटा बताया, प्रयास ठीक है लेकिन यह सामान्यन की स्थिति जब आएगी तो असंतोष भड़कना ही भड़कना है, क्योंकि निश्चित है कि जिस स्कोप में सरकार का जो स्कोप आएगा रोजगार परक या रोजगार देने की बात होगी, उससे ज्यादा फौज गांव में पहले से आकर तैयार है, लेकिन फिर भी एक सरकार का प्रयास है ताकि असंतोष की या जनाक्रोश न भड़के, तो यह बेरोजगारी का जो माहौल है यह देश के लिए विस्फोटक की स्थिति है। तो आज हम लोग रहने दें, थैंक यू, धन्यवाद।